Hey, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम जो है वो विज़िट करने आए हैं दुबई मॉल, और इस वक्त हम पार्किंग में मौजूद हैं। मेरे पीछे जो है वो आप टैक्सी स्टैंड देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सारी टैक्सी जो है वो इस टाइम पे मौजूद है, और बेसिकली यहाँ से लोग जो है वो टैक्सीज लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने कम्प्लीट एक अरेंजमेंट किया हुआ है, वन बाई वन जो है वो लोगों को भेजते हैं यहाँ पर आके। जब टैक्सीज खड़ी होंगी तो उनको वन बाई वन जो है वो यहाँ से भेजें। गाइस, हम एक्चुअली जो है वो स्केचर्स के शूज़ देखने के लिए आए हैं, और अभी हम जो है वो अंदर आ चुके हैं, तो हम स्केचर्स की तरफ जा रहे हैं। दुबई मॉल में आपको बहुत ही खूबसूरत होम डेकोर की शॉप्स मिलेंगी, बट ये जो कि दुबई मॉल है तो दुनिया से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, गोरे आते हैं। अमेजिंग चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ, दुबई आइस रिंक। यहाँ पे जो है वो समय लें आपके आइस स्केटिंग होती है, और बच्चे लड़के लड़कियां जो है वो यहाँ पे बहुत ही मज़े से स्केटिंग करते हैं, और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज तो काफ़ी रश कम है बिकॉज इट्स अ वीक डे, लेकिन जब आप यहाँ पे वीकेंड्स पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो लोग स्केटिंग कर रहे होते हैं। साथ ही आपको जो है वो बच्चों के लिए अगर कैंडीज चाहिए, जेलीज चाहिए, तो बहुत ही मज़े की जो है वो कैंडी हार्ट्स के नाम से जो है वो एक स्टॉल मौजूद है, और बहुत ही अमेजिंगली उन्होंने जो है उसको डेकोर किया हुआ है। बहुत अमेजिंगली यहाँ पे जो है वो कैंडीज लगाई हुई हैं, और बहुत डिफरेंट काइंड की जो है वो कैंडीज जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बबल गम्स मिल जाएंगी, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉली पॉप्स जो हैं वो भी आपको जो है वो डिफरेंट मिल जाएंगे। बात करें तो इंटरनेशनल ब्रांड्स में कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि फेमस ब्रांड हुआ तो यहाँ पे जो है वो मौजूद ना हो। अभी हम जो है वो स्केचर्स पे पहुँच चुके हैं, सो लेट्स जस्ट गो एंड सी के इनके पास कौन कौन से न्यू शूज़ मौजूद हैं, कौन कौन से स्टाइल के शूज़ हैं। ऑफर, यू कैन बाय टू पेयर्स इन 549 दिरहम्स, एंड हियर आर द शूज़। इसके अलावा जो है वो आप अगर सॉक्स में चीज़ें कुछ देखना चाहें तो ये आर्टिकल्स हैं, और बच्चों के लिए जो है वो भी इनके पास बड़े अमेजिंग से जो है आर्टिकल्स मौजूद हैं। ये लेडीज़ शूज़ स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से, और इस पर भी सेम ऑफर जो है वो मौजूद है, यू कैन बाय टू पेयर्स इन 549 दिरहम। अमेजिंग स्टॉल, इधर आप इसके अंदर से भी जो है गुजर सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, और बेसिकली इट्स अ परफ्यूम स्टॉल, बहुत अमेजिंग स्मेल्स आ रही हैं। आप में जो
है एक स्पोर्ट्स आइटम की शॉप में आया हूँ और ये बहुत ही बड़ा जो है वो आउटलेट है। यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स वेयर, कैप, शूज़, हर किस्म का जो है वो आपको जो है वो आइटम मिलेगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड। इवन कि यहाँ पे साइकिल्स भी मौजूद हैं, यहाँ पे टेबल टेनिस के लिए टेबल्स भी मौजूद हैं। बहुत ही मैसिव लेवल के ऊपर जो है वो आउटलेट को डिज़ाइन किया गया है और बहुत ही मैसिवली जो है वो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इवन के स्विमिंग पूल्स आपको मिल जाएंगे बच्चों के लिए, बैग्स मिल जाएंगे, इसके अलावा जो है आपको स्विमिंग के लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स मिल जाएंगे, ट्रैवलिंग बैग, स्विमिंग बैग्स, ठीक है, आपको डिफरेंट जो है वो आइटम यहाँ से मिल जाएंगे। ये स्विमिंग कैप्स भी जो है वो यहाँ पे हैं। इसके बाद साइकिलिंग के लिए ये लाइट्स यूज़ होती हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर जो है वो काम किया गया है। ये मैं अभी आपको जो दिखा रहा हूँ बॉटल्स हैं। अगर आप ट्रैवलिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सा एक टेंट मौजूद है जो कि इजीली 7 to 8 पर्सन के लिए इनाफ होगा और पैक होने के बाद इट विल बी लाइक दिस, इतना छोटा सा जो है ये टेंट रह जाएगा। इसके अलावा ट्रैवलिंग में ट्रैवलिंग मैट्रेसेस जो हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि इसके अंदर एयर के साथ जो है इसको फिल किया गया है। ये ट्रैवलिंग चेयर्स जो कि पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ में आप अगर जाएं तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हर किस्म के फुटबॉल्स यहाँ पे मौजूद हैं, सेपरेटली जो है वो पोर्शन फुटबॉल्स के लिए डेडिकेट किया गया है और ये कम्प्लीट पोर्शन जो है वो टेंट्स के लिए जो है किया गया है। इसमें बहुत डिफरेंट स्टाइल्स के सिंग 1%, 2%, 3% के लिए आपको जो है वो हर किस्म के टेंट। सो गाइस, अब मैं आपको जो है वो दिखा रहा हूँ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिश एक्वेरियम है जो कि दुबई मॉल के अंदर मौजूद है और इस एक्वेरियम के अंदर आपको छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी फिशेस जो है वो नज़र आएंगी और इसमें जेली फिशेस, स्टार फिश और अदर फिशेस की स्पीशीज आपको जो है वो नज़र आएंगी। फिशेस बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो इसके अंदर ट्रैवल कर रही हैं। अच्छा, इसके बाद इस एक्वेरियम के ऊपर जो है वो एक स्क्रीन इंस्टॉल की गई है जिसके ऊपर डिफरेंट कंपनीज के एड्स जो हैं वो हर टाइम जो है वो रन हो रहे होते हैं। इसके अलावा इस जगह की जो रूफ़ है अगर आप उसको देखें तो उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो डिज़ाइन किया गया है एंड इट फील्स लाइक के इसे स्टार्स होते हैं और आप ये कहना गलत नहीं होगा कि इसके शहर में मुब्तला हुए बगैर नहीं रह सकते। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। मॉल इतना बड़ा है कि अगर आप कोई भी स्पेसिफिक ब्रांड या कोई शॉप ढूंढना चाहें और आप यहाँ पे नए हैं, आपको आइडिया नहीं है कि वो शॉप कहाँ पे है, तो आप उसको बिल्कुल भी जो है वो नहीं ढूंढ सकते। तो यहाँ पे बड़ी ही अमेजिंग सी जो है वो स्क्रीन इंस्टॉल की गई है जहाँ पे आप जो है वो कोई भी चीज़ अगर आप सर्च करना चाहेंगे, जैसे कि अब हम जो है वो खाना खाना जाना चाह रहे हैं, यहाँ पर अगर हम फूड कोर्ट सर्च करेंगे तो हमें कम्प्लीट डाटा जो है उसका प्रोवाइड कर देगा कि आप अभी कहाँ पर मौजूद हैं और एक्चुअली स्पेलिंग हमने गलत लिख दी है, बहुत ज़्यादा लग चुकी है। सो अब हम मशीन से अभी हमने चेक किया है तो फूड कोर्ट जो है वो सेकेंड फ्लोर पे है और हम सेकेंड फ्लोर पे आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, पिज़्ज़ा हट, वेंडीज, डोनट्स, हार्डी एंड वंस अगेन नन अदर देन अल्बेक। रात के 12 बज चुके हैं और ये मेरे पीछे आप अल्बेक की लाइन देख रहे हैं, ये सारी अल्बेक की लाइन है और ये इसके पीछे भी ये सारी अल्बेक की लाइन है और रश आप पूरे फूड कोर्ट में देख सकते हैं कितना है। रश ऐसा है कि अभी लग नहीं रहा कि लोग घर जाने के मूड में। इस साइड पे भी देख सकते हैं।
से ज़्यादा आउटलेट्स मौजूद हैं और 200 से ज़्यादा फ्रूट आउटलेट्स मौजूद हैं। और इसका जो एरिया है वो 54 लाख स्क्वेयर मीटर इसका जो है वो एरिया। आज की वीडियो दुबई मॉल से, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।